Sure. आज हमने एक नया टेक्निक स्टार्ट करना है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेडी ग्रेडी एल्गोरिथम्स। हमने पहले लास्ट वाले लेक्चर सेशन में हमने देखे थे ग्रेडी के दूसरा वाला, क्या बोलते हैं उसे, डिवाइड एंड कंक्वर, है ना। वो एक अप्रोच था क्या बनाने के लिए, एल्गोरिथम बनाने के लिए, ठीक। ये दूसरा अप्रोच है एल्गोरिथम लिखने के लिए। आपके हाथ में डिवाइड एंड कंक्वर आया, है ना। डिवाइड एंड कंक्वर क्या करते थे, किसी भी प्रॉब्लम पी को तोड़ते थे सब प्रॉब्लम्स में, है ना, और रिपीटेडली तोड़ते हैं ना, ये सब प्रॉब्लम्स हो गया, फिर इन सब प्रॉब्लम को फर्दर तोड़ते हैं P11, है ना। कब तक तोड़ते हैं, जब तक खुद सॉल्व ना हो जाए, है ना, या फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होने का मतलब है कि ऑलरेडी सॉल्व है। फिर इसके बाद क्या करते हो आप, फिर जो सब प्रॉब्लम्स है आपके पास, जितने भी सब प्रॉब्लम्स है, अगर वो सब प्रॉब्लम का साइज इतना हो चुका है कि वो उससे डिवाइड नहीं होगा, तो वो ऑलरेडी क्या है, सॉल्व है। तो आप क्या करते हो, ऐसे सॉल्व सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं, है ना। इस फेज को हम बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, ठीक। फिर हमारा ओवरऑल प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिल जाएगा, ठीक। हमने क्या किया है, प्रॉब्लम को तोड़ दिया इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स में, फिर इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स को फिर से तोड़ा, उसका साइज इतना बनेगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व। जो छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स है जो खुद सॉल्व हो चुका है, उन सब प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, जो अल्टीमेटली आपका बड़ा वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा, ठीक। ये स्ट्रेटेजी है डिवाइडिंग एंड कंक्वर। इस स्ट्रेटेजी को अपना के हमने तीन एल्गोरिथम फॉलो किया है, एक है स्ट्रेसेंस, है ना, दूसरा माइट सॉर्ट, एंड थर्ड वन इज क्विक सॉर्ट। इसका कॉम्प्लेक्सिटी बोल दो जरा, अरे एन रेस पावर 2.5 बी ओ, इसका बोल दो एन लॉग एन, है ना। सब में है, सारे केसेस बॉस भी यही है, बेस्ट भी यही है, एवरेज भी यही है। अच्छा क्विक का बोलो because n log n किसके लिए, बेस्ट एंड एवरेज आप दोनों इंक्लूड कर सकते हो, बेस्ट एंड एवरेज केस, है ना, और वर्स्ट के लिए बिग ऑफ एन स्क्वायर। यूं हम बिग ऑफ एन स्क्वायर बनेंगे, आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए क्यों बनता है ये एन स्क्वायर, है ना, और कब बनता है एन स्क्वायर, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो एक साइड में पूरा पूरा खाली और दूसरे साइड में बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट चला जाएगा। जब हम बोलेंगे एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, अगर उस पर आप क्या डालोगे, क्विक सॉर्ट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, है ना। तो ये सिमिलर टू ये वाला कॉम्प्लेक्सिटी तो इन एल्गोरिथम्स के पास भी है, देखिए बबल सॉर्ट के पास भी, ठीक, इंसर्शन सॉर्ट के पास भी एन स्क्वायर है, ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट, ये भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, इनका भी कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, कितना आता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर आप क्विक सॉर्ट को सॉर्टेड एलो दोगे ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही होना है जितना बबल इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट के साथ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी फिर इतना जाएगा, एन टाइम्स लॉग एन। और मर्ज सॉर्ट की बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी ये है, बढ़िया आप बोल सकते हो एड ऑन फीचर, उसका एडवांटेज ये है कि वो हर केस में आपको एन टाइम्स लॉग इन देगा, ठीक। और एन टाइम लॉग इन देने का रीजन क्या है, हमेशा जब भी वो तोड़ेगा आपके एरे को, वो बीच में से ही डिवाइड करता होगा,
क्यों? क्योंकि आप मिड पॉइंट से लेते हो कि नहीं, एरे को तोड़ते। यहां पे क्विक सॉर्ट के केस में, क्विक सॉर्ट के केस में पिवट जिस जगह पे बैठेगा वहां से डिवीजन होगी, इसीलिए गारंटी नहीं है कि पिवट आपके मिडिल में बैठेगा। पिवट तो आपकी वैल्यू के हिसाब से रेंडमली कहीं पे भी बैठ सकता है। वन से लेकर एन लोकेशन है आपके पास, तो पिवट के वाला एलिमेंट वन से लेकर एन में कहीं पे भी बैठेगा, उसी बेसिस पे क्या होगा, डिविजन होगा। और वर्स्ट डिविजन कब होगा? सबसे खराब डिविजन जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। सबसे खराब डिवीजन वही होगी ना। और सबसे बढ़िया डिवीजन कब होगा, जिसको आप प्रेफर करेंगे? बीचों बीच चला जाए, पिवट आपके बीचों बीच बैठेगा, तो आपके एरे के दो टुकड़े बनेंगे, एक इधर एक उधर, है ना। एक में एक कम होगा, लेकिन हाफ के ऑलमोस्ट हाफ ही होगा, ठीक। तो उस केस में आपका क्विक सॉर्ट बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो वहां पे वर्स्ट केस इतना वर्स्ट है कि जितना बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। जब ये एल्गोरिथम्स देखना, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, है ना, इन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर ना बिल्कुल सिंपल है। इनके अंदर ना दो दो लूप चलता है, मतलब एक आई लूप चलेगा ऊपर से, उसके अंदर एक और लूप चल रहा होगा जे वाला लूप, और आई वाला लूप वन से लेकर एन तक, जे वाला लूप भी वन से लेकर एन तक चल रहा होगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही आएगा वो सीधे, है कि नहीं। तो इसमें भी वही है, इसमें भी दो लूप चलेगा, इसमें भी दो लूप चलेगा, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी सीधे कितना आता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसकी तरह नहीं है क्विक सॉर्ट की तरह कि आपको सारे केस उठा के डालना पड़ेगा, कि अगर एक ही एलिमेंट होगा तो एफ ऑफ एन इक्वल टू वन है, अगर नहीं है एन ग्रेटर देन वन है तो एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस टू टाइम्स एन बाई टू, ये करने की जरूरत नहीं है इन एल्गोरिथम में। है ये सीधे सीधे एल्गोरिथम बनते हैं दो दो लूप के अंदर। जैसे बबल सॉर्ट के लिए ऐसा लिखा होगा, फॉर आई इक्वल टू वन टू एन, एक लूप चला, उसके अंदर एक और लूप चलेगा फॉर जे इक्वल टू वन टू एन, ठीक। मेजर काम इसी के अंदर हो रहा होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये कहां से कहां चल रहा है, ये एन टाइम चलेगा और ये एन इंटू एन चलेगा, है ना। तो सीधे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आ जाती है, उसकी ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको दो लूप दिखेगा और वही दो लूप आपके कॉम्प्लेक्सिटी कहां लेके जा रहा हो, ये तीन एल्गोरिथम का। और इतनी तीन एल्गोरिथम का ही कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्विक सॉर्ट के पास भी आएगा अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हुआ तो, ठीक। तो अभी तक सॉर्टिंग में सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा दिखा आपको, टाइम वाइज मर्ज सॉर्ट, एन लॉग एन है, हर केस में गारंटी है, ठीक। तो गेट में, नेट में अगर क्वेश्चन पूछे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि भाई मेरे पास एक एरे है अनसॉर्टेड है, मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम सिर्फ एन टाइम लॉग एन है, बताइए इन चार में से कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम को आप चूज करोगे। क्विक सॉर्ट भी दिखाएगा आपको, मर्ज सॉर्ट दिखाएगा, एक और सॉर्ट है हीप सॉर्ट के नाम से भी है। तो आपको पता, आप अगर आपको पता होगा कि मर्ज सॉर्ट किसी भी केस में आपको एन टाइम लॉग इन देने वाला है, तो आप सिंपली बोलोगे कि हम क्या चूज करेंगे, मर्ज सॉर्ट। आज का जो स्ट्रेटेजी है दैट इज ग्रीडी, ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक। यहां पे प्रॉब्लम्स को तोड़ो फिर उनको कंबाइन करने वाला कोई चीज नहीं है, ठीक। ग्रीडी एल्गोरिथम के बाद आप समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास, क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू को, जिसके वैल्यू को या आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो या मिनिमाइज करना चाहते हो, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू को क्या करोगे, या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले आप अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन चुनते हो कि इनहांसिंग योर ग्रेड, आपके जो सेमेस्टर के ग्रेड है उसको बढ़ाना है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। और एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है लेट्स से वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट करने का फंक्शन, उसको आप मैक्सिमाइज करोगे कि मिनिमाइज करोगे, मिनिमाइज, है ना। तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको आप या मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज करोगे, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि खुला छूट दिया जाएगा जितना मैक्सिमाइज करना है कर लो, ऐसा नहीं। जैसे आप अपनी ग्रेड को इंक्रीज करोगे, ग्रेड को इंक्रीज करने के लिए आप पूरा का पूरा टाइम 24 into 24 hours आप अपनी स्टडी पे तो नहीं डाल सकते ना, क्योंकि आप ह्यूमन बींग है, आपको रेस्ट चाहिए, है कि नहीं। आपको अदर काम है वो फैक्टर्स भी इंक्लूड करना है, तो हमें सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट कुछ लिमिटेशन रखा गया होगा आपके पास हमेशा, सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स लिमिटेशन। आप मान सकते आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है
उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे या मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे सब्जेक्ट टू सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट्स आपके पास दिया गया, बंदिश दिया गया होगा जिसको आपने फॉलो करना है। आप उस कांस्टेंट के अंदर रहकर इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेट्स से मैक्सिमाइज करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो देखेगा अभी कौन कौन से चॉइसेस अवेलेबल है, चॉइसेस अवेलेबल है ठीक एट टाइम लेट्स से T1 पे, टाइम T1 पे कौन कौन से चॉइसेस अवेलेबल है टू मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेट्स से C1 था, कुछ चॉइसेस है, लेट्स से C1 है, C2 है, अप टू लेट्स से C की कुछ चॉइसेस है आपके पास ठीक। अगर उसको दिखा कि C1 मुझे ज्यादा फायदा देगा टू मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव, या C1 मुझे कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने में एज कंपेयर टू किसका, C2 का, तो वो C1 के लिए ज्यादा ग्रीडी होगा एज कंपेयर टू C2। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में उसको प्रॉफिट मिलेगा है कि नहीं, लेकिन साथ साथ उसको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई C1 इंक्लूड करने के लिए क्या आपके पास वो जरूरी कंडीशन है कि नहीं। अगर आपका कंडीशन बन रहा होगा तो आप C1 इंक्लूड कर दीजिए, अगर आपका कंडीशन नहीं बन रहा होगा तो C1 का चॉइस आप लेकर नहीं जा पाएंगे ठीक है। असाधारण से देखिए, ग्रीडी एल्गोरिदम हमेशा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ चलेगा, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या आप मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज करोगे, लेकिन खुला छूट भी नहीं है कि आप सीधे ही मैक्सिमाइज करोगे या सीधे ही मिनिमाइज करोगे, आपको कुछ कंडीशन को फॉलो करके चलना है सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऊपर करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम T1 पे आपके एल्गोरिथम को कुछ चॉइसेस अवेलेबल होंगे C1 से लेकर लेट्स से C के। अब वो लेट्स से फॉर एग्जांपल C1 का प्रॉफिट ज्यादा था, C1 आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकता था एज कंपेयर टू C2, तो आपका ग्रीडी एल्गोरिदम C1 को चॉइस करने की कोशिश करेगा पहले, किससे पहले, C2 से पहले। लेकिन C1 अगर वो चॉइस करे, वो चॉइस सिर्फ हो सकता है अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, तो नहीं तो वो C1 को उठा नहीं पाएंगे। आप ऐसा समझ लो, आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल चॉइसेस आपका एल्गोरिथम किसको चॉइस को फेवर करने की कोशिश करेगा जो एट द मोमेंट उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने के काबिल होगा। लेकिन जैसे C1 उठाया, आपकी एल्गोरिथम की मर्जी नहीं होगी कि C1 उठा, क्योंकि C1 ज्यादा से ज्यादा उसको मैक्सिमाइज कर रहा था, लेकिन मैक्सिमाइज करने के लिए अगर C1 आ रहा है तो C1 को वो कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा ठीक। ये है जनरल आइडिया किसका, ग्रीडी एल्गोरिथम का। और इसी ग्रीडी एल्गोरिथम में हम 3-4 एल्गोरिथम्स करेंगे इसी बेसिस पे। उन एल्गोरिथम में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट होगा, कुछ बाधाएं रखेंगे, कुछ कंडीशन रखेंगे जिसकी वजह से आप किसी चॉइसेस को उठा सकते हो, और हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका एल्गोरिथम किस चॉइस के पास जा रहा है ठीक। तो ये चीज ग्रीडी एल्गोरिथम का जनरल आइडिया है। आपके ग्रीडी एल्गोरिथम के पास एक फंक्शन होगा जिसको आप क्या करोगे, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। उस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए आपको कुछ कंडीशन भी रखा गया होगा, क्योंकि ये कंडीशन है, चॉइसिस अवेलेबल होंगे, किसी चॉइस को उठा आप सकते हो, इन टर्म्स आप ग्रीडी हो सकते हो किसी चॉइस के लिए, लेकिन वो चॉइस जब आप उठाओगे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, उस चॉइस का सब्जेक्ट टू सम कंडीशन भी होगा। अगर C1 आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप उठा दो। अगर C1 आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इवन दो आपको ये प्रॉफिट दे सकता था लेकिन वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप C1 को नहीं उठाओगे, आपको दूसरे ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आप देखिए, ग्रीडी किसके लिए, ये बंदा पहले जो उसको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता था, नहीं उठा पाया बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन C1 को उठाने की कोशिश करेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये उसको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ज्यादा प्रॉफिट मीन्स क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करा सकता होगा ठीक। तो ये दिस इज सिमिलर टू आपका, जैसे आपको कोई लेट से एक नया स्टूडेंट आता है ठीक है, वो आपको किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फायदा दिला सकता था, मींस आपको वो पढ़ा सकता था, एक सब्जेक्ट उसका बिल्कुल क्लियर था, वो आपको हेल्प कर सकता था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेकिन आपको पूरे दिन की क्लास होता है, आपका फंक्शन क्या होगा कि उस सब्जेक्ट में अच्छा बनना है ना, उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को क्या करना, आपने मैक्सिमाइज करना,
वो बंदा अवेलेबल है आपके पास, आप उस बंदे के लिए ग्रीडी हो जाते हो कि वो उसका एक्सपर्टीज मुझे मिल जाए, है कि नहीं। लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंसर्न कि वो रात को हॉस्टल में नहीं बैठ सकता है, तो आपको कंडीशन के हिसाब से उसको उठाना पड़ेगा। अगर कंडीशन नहीं बन रहा होगा तो दैट मीन्स यू हैव टू लीव द ऑप्शन, है कि नहीं। सिमिलर यहाँ पे भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, इवन दो आपको चॉइसेस फायदा दे रहा होगा, अगर सब्जेक्ट टू सम कंसर्न नहीं होगा तो आप उसको नहीं उठा पाओगे। ठीक, चलिए, तो पहला प्रॉब्लम आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं ग्रीडी एल्गोरिथम में, दैट इज नैपसैक प्रॉब्लम। क्या नैपसैक प्रॉब्लम? और इस नैपसैक प्रॉब्लम में हम वापस आएंगे जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे, उस समय हम फिर से वापस आएंगे इस प्रॉब्लम पे। लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किससे? ग्रीडी अप्रोच से। ठीक, हमारा प्रॉब्लम है नैपसैक। ठीक, आपको आइडिया देने के लिए कि हाउ ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क्स, ये क्या? ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चोर है, ठीक है, वो किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है। ठीक, अब चोर है तो ग्रीडी होगा। अब जो ही घर, वो जब चोर किसी घर में घुसता है तो वो कुछ थैला लेके जाएगा, हाथ में कितना है आगे, है ना, एक आप बोल सकते हो एक नैपसैक उठा के चलता है वो, सैक बोरी, उसका कुछ कैपेसिटी होगा, W होगा ना, वेट जितना डाल पाए। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड उठा सकेगा, अगर बैग झोला उठाया तो उसमें तो कुछ लिमिटेड ही आएगा, कुछ W उसकी कैपेसिटी है। अब वो जब घर में घुसेगा तो बहुत सारे आइटम्स होंगे, I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा, अप टू IN होगा, है कि नहीं, बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हर आइटम का क्या है, हर आइटम का वैल्यू है, प्रॉफिट बोल सकते हो, V1 है, V2 है, V3 है, अप टू VN है, हर आइटम का क्या है, अपना वैल्यू है। ठीक है, और हर आइटम का वेट है, W1, W2, W3, अप टू WN। ठीक, एक चोर किसी घर में घुसता है विद अ नैपसैक जिसकी कैपेसिटी W टोटल, ठीक, या इसको आप M बोल सकते हैं, या W टोटल में W वेट उठा सकता है, बहुत सारे आइटम्स है, हर आइटम का वैल्यू है और हर आइटम के साथ वेट। ठीक, अब चोर घर में घुसता है, अब उसका ऑब्जेक्ट, उसका क्या होगा, दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट किया होगा कि जब मैं इस बैग में जो भी चीजें डालूंगा और घर से जो ही बाहर निकलूंगा तो मैं ऐसी पोजीशन में होना चाहिए जितना मैं उठा सकता हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अंदर हूं, मेरे बैग में होना चाहिए वो, है ना। तो जब मैं घुसूं किसके अंदर, घर के अंदर, और घर से जब मैं बाहर आता हूं, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल होगा वो मेरे बैग में होना चाहिए। ठीक, अब आप बताइए, अगर आप चोर होते तो आप किस अप्रोच से जाओगे? आप उन आइटम्स को चुनने की कोशिश करेंगे जिसका वैल्यू ज्यादा हो, या वो आइटम चॉइस करने की कोशिश करोगे जिसका वेट कम हो? दो अप्रोच है ना यहाँ पे। देखो, अगर मैं चोर होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है मैं वैल्यू, वो आइटम चुनने की कोशिश करता जिसका वैल्यू ज्यादा आता होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मुझे लगा V1 मुझे ज्यादा वैल्यू देगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वैल्यू को इंक्रीज करना है ना, तो मैं उन्हीं आइटम्स को चूज करने की कोशिश, मेरे पास चॉइसेस है ना, एन चॉइसेस है, तो एट ए टाइम मैं इस V1 को चूज करने की कोशिश करूंगा, इसका वैल्यू ज्यादा था आउट ऑफ ऑल। लेकिन मैं V1 को अपनी बैग में तभी डाल पाऊंगा जब V1 का वेट W1 इससे कम हो, सही है कि नहीं। तो मैं V1 को चॉइस कर सकता हूं, ये मेरे लिए अवेलेबिलिटी है, मैं चॉइस उठा सकता हूं, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ये कि इसका वेट जो W1 है किससे कम होनी चाहिए, तभी तो मैं डाल पाऊंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल W1 इससे नीचे था, तो मैंने इसको डाल दिया अपनी किसमें, झोले में डाल दिया। अब आप मेरे पास बोलिए प्रॉफिट कितना है, V1 प्रॉफिट है, लेकिन साथ ही साथ मेरा जो टोटल बैग का कैपेसिटी था उसमें से माइनस भी तो हुआ, कितना माइनस हुआ, W1 माइनस W1, है ना, ये W1 खत्म हो गया। अब बचा कितना है फिर टोटल, W माइनस W1 जो है रिमेनिंग कैपेसिटी है किसका, इस बैग का। अब बोलिए आप चॉइसेस क्या है आपके पास, I2 से लेकर IN तक, क्योंकि ये तो निकल गया ना। अब बोलिए, अब आपका वेट W माइनस W1, अब आप जो भी आइटम चॉइस करोगे ना, लेट्स से V2 था, लेट्स से V2 उठाया, नेक्स्ट टाइम इसका वैल्यू ज्यादा था, तो मैंने उठाया इसको V2 को, लेकिन जो ही मैं बैग में डालू ये आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसका वेट W2 जो है ना इससे बड़ा था,
W2 किस से बड़ा है? रिमेनिंग वेट से। तो भी क्या मैं V2 को उठा पाऊंगा, ये I2 को उठा पाऊंगा? बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? प्रॉफिट को ज्यादा करना, वैल्यू को ज्यादा करना। मेरे पास ऑप्शन आया, मैं V2 को उठा के अपने प्रॉफिट को या वैल्यू को इंक्रीज कर सकता था, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपके पास कंडीशन लगा है। कौन सा कंडीशन? की आपका जो W2 था उसका वेट कम होना चाहिए। किससे? रिमेनिंग वेट से, है कि नहीं? तो जब भी आप आइटम उठाओगे अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इनहांस करने के लिए, आप वो आइटम तभी उठा पाओगे जब आपके पास रिमेनिंग वेट उससे का रिमेनिंग वेट ज्यादा होगा आपकी आइटम से। इतना सही है? तो अपने पास ग्रीडी होने के लिए दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके पे? एक है ग्रीडी हो जाएंगे किस पे? फर्स्ट इज वी आर ग्रीडी फॉर वैल्यू, एंड सेकेंड इज ग्रीडी फॉर वेट। ठीक है, आप बोलिए, अगर मैं वैल्यू पे ग्रेडी हो जाऊं तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन होगा कि मिनिमाइजेशन? मैक्सिमाइज। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू को मैक्स करोगे, वेट को मिनिमम, जितना कम से कम वेट हो उतना ज्यादा, है ना? तो आप जब वेट से आप वेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट करोगे, ग्रीडी हो गए आप किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से। तो आप किस आइटम को चुनने की कोशिश करोगे? जिनका वेट कम हो, हल्की हल्की सामान आप जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करोगे। किसमें? W में। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि आपकी W में बहुत ज्यादा आइटम्स आ जाएगा। ठीक, या ये दो चीजें हैं जिसके हिसाब से हम ग्रीडी होंगे। हम एक और तीसरी लेवल पे भी ग्रीडी होंगे, वो पढ़ा लिखा ग्रीडी है। ठीक है, ये जो आप बोल सकते हो ये बिल्कुल अनपढ़, जैसे आप बोलोगे लेमेन आ गया, सीधे लेमेन चोर है बिल्कुल। ठीक, तीसरा वाला जो है वो हम आपको दिखाएंगे, वो बिल्कुल एक कैलकुलेट हिसाब किताब वाला चोर, जो बिल्कुल यहां से कैलकुलेट करके जाएगा कि मुझे कौन सा चुनना है, उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक, फिलहाल ये दोनों चीजें देखते हैं। अगर आप ग्रीडी हो जाएंगे वैल्यू ऑफ द आइटम पे, या ग्रीडी हो जाएंगे वेट ऑफ द आइटम। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ठीक है जी, चलिए, आपके पास एन आइटम्स है। मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा काम यह है एक सेट निकालूं एस, उसमें कुछ आइटम्स होगा। लेट से आई आई वन अप टू सम आइटम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। कितने आइटम्स है? एन में से कुछ ही लोग मेरे बैग में आएगा, और एस इज रिप्रेजेंटिंग दोज आइटम्स विच आर सेलेक्टेड। ठीक, अगर एस आइटम है तो वी वाला सेट भी होगा जिसमें इनका वैल्यूज होगा। एक्चुअली वी आई प्लस वन अप टू वी के बोल सकते हो। ठीक, टोटल वैल्यू क्या होगा? टोटल वैल्यू इज वी आई प्लस दिस प्लस दिस प्लस अप टू वी के, टोटल प्रॉफिट। टोटल वेट कितना होगा फिर? है ना, डब्ल्यू आई प्लस दिस अप टू वी के, डब्ल्यू के तक। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मेरे पास एक सेट था जिसमें एन आइटम्स थे, ठीक, और मैंने उस सेट में से एक सबसेट लिया अपनी ग्रीडी एल्गोरिदम के हिसाब से। मैं ग्रीडी था वैल्यू के लिए, तो मुझे एक सबसेट मिल गया जिसमें कुछ आइटम्स आए, कुछ आइटम्स नहीं आए। सही है कि नहीं? तो ये जो सेलेक्टेड आइटम्स होंगे, एस इज रिप्रेजेंटिंग द सेलेक्टेड आइटम्स, ये जो सेलेक्टेड आइटम का सेट होगा वो सबसेट होगा इसका। सही है कि नहीं? आपके टोटल आपको 10 एलिमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, 10 में से जब आप बाहर आया तो आपने तीन ही आइटम चुना होगा, तो वो तीन आइटम एक्चुअली सबसेट है कि नहीं आपके ओरिजिनल का? लेकिन अगर आप वैल्यू के हिसाब से वो हो जाओगे, ग्रीडी हो जाओगे, या वेट के हिसाब से ग्रीडी हो जाओगे, आपने फाइनल में कुछ ही आइटम चुने होंगे, एन में से कुछ ही आइटम आप चुने होंगे जिनका टोटल आपको वैल्यू मिलेगा, जिनका टोटल आप वेट देखोगे। लेकिन तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप एक्चुअली जो सेट ऑफ ऑल आइटम्स है, सेट ऑफ ऑल आइटम्स है, आप जो आइटम चुनोगे दैट विल बी एक्चुअली सबसेट, सबसेट होगा इसी सेट ऑफ ऑल आइटम्स का, होगा कि नहीं? देखो, इस सेट में आपने 10 में से तीन आइटम लिए, वो तीन आइटम उन्हीं 10 में से होगा ना, बाहर से तो कोई नहीं आएगा, नया आइटम तो कोई नहीं आ सकता, उसी 10 में से आएगा। ठीक, अगर मैं हिसाब करने लग जाऊं कि
मुझे कौन सा सबसेट चुनना चाहिए। आप देखिए, आप एन आइटम्स है, ठीक है, आपने बोला जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन विल बी सबसेट ऑफ दिस आइटम्स, इन्हीं आइटम्स का होगा कि नहीं, इसी सेट का एक सबसेट होगा। कितने सबसेट पॉसिबल है? फिर आपको वो सबसेट चुनना है जो आपकी फंक्शन को या वेट के हिसाब से करेगा तो, है ना, तो आपको वो सबसेट चाहिए। इस इन आइटम्स का जो सेट था उसके तो बहुत सारे सबसेट्स है ना, उन सबसेट में से आपने वो सबसेट चुनना है जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा, ठीक है जी। तो कितने चॉइसेस है फिर? दो चॉइसेस। और बोलो, देखो मैं फिर से देखता हूं, काम हमारा वैल्यू को मैच करना है या वेट को मिनिमाइज करना। चलिए आप दरवाजे से बाहर निकल गया, ठीक, दरवाजे से बाहर निकलने के बाद क्या करोगे आप? आपके बैग में कुछ आइटम्स होंगे ना, अब वो आइटम्स है क्या? एक्चुअली वही आइटम्स जो घर में थे। घर में मैं बोल रहा हूँ 10 आइटम है आपके पास, आपके बैग में 4 आइटम आए, वो 4 आइटम वही 10 में से होगा, वहीं से है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट से आपके पास एन आइटम्स है, वो एक सेट है ना, जो आप सेलेक्ट करोगे कुछ आइटम्स, वो आइटम्स का सेट जो आपने सेलेक्ट किए, दैट विल बी ए सबसेट ऑफ वही एन आइटम्स का, होगा कि नहीं? अब आप बोलिए पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, वो सेट जिसमें सारी एलिमेंट्स है, एन आइटम्स, उसका तो बहुत सारा सबसेट बन सकता है कि नहीं? अब आपको कौन सा सबसेट चाहिए? जिसके पास प्रॉफिट ज्यादा हो या जिसके पास वेट कम हो, है कि नहीं? तो आपके पास कितने चॉइसेस है जरा बताइए फिर। अरे नहीं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको कितने, मतलब कितने, जैसे मैं ऐसा बोल रहा, एक चोर को हम अंदर डालेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे भाई ये 10 आइटम है, इसमें से आपने एक सेट चुन के लेके आना, 3 आइटम चुना के लेके आना है बाहर, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जाएगा, 3 आइटम चुनेगा, बाहर आएगा, मैंने बोलते नहीं ये नहीं है, तो वो फिर अंदर जाएगा, ये 3 आइटम 10 में से फिर चुन के लेके आएगा बाहर। मैं बोल रहा हूँ ऐसे कितने चॉइसेस है, देखो आपके पास इन आइटम्स है, इसको हम सेट थ्योरी से सॉल्व करेंगे ना, छोटा सा देखिए कितने आइटम्स, एन आइटम्स है, तो ऐसा सेट समझ सकते हो आप आइटम्स का जिसमें कितने आइटम्स हो, एक आइटम का सेट है, ठीक है, और इसमें ये आइटम्स है, I1, I2, I3 up to, ठीक है, लेट से आपने जो आइटम सेलेक्ट किए उसका सेट ये 4 आइटम हमने सेलेक्ट किए, लेट से फॉर एग्जांपल I1 है, I8 आया, I13 आया, एंड एक और आया था, लेट से I10 आया, ये चार आइटम आपने सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रहा था, ठीक। अब देखो ये सेट, ये तो सबसेट है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ एस इज सबसेट ऑफ आई, है कि नहीं, इसी के सबसेट इसी में से आया है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यही सबसेट आपको प्रॉफिट देगा, इसकी क्या गारंटी है? यही सबसेट ही है, मींस I1, I8, I13 और IN, ये जब एक सेट में आएगा आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, बाकी लोग आएगा तो नहीं होगा, उसका क्या है फिर, उसकी गारंटी क्या है? नहीं, वो तो है वैल्यू, लेट से प्रॉफिट वैल्यू था 113। अब आप मुझे बताइए आप कैसे गारंटी से बोल रहे हो कि कोई दूसरा सबसेट 113 वैल्यू पे नहीं आएगा, मींस उससे ऊपर नहीं आएगा? आप तो गारंटी ये दे रहे हो ना कि यही सबसेट बेस्ट है ना, 113 मैंने फिक्स कर दिया, लेट से इसका प्रॉफिट था, और आप बोलोगे ये सबसेट है सर जो बेस्ट है, तो मैं क्यों आपको ये ना बोलूं कि भाई दूसरा सबसेट भी तो पॉसिबल है S1, लेट्स सी दिस I2, I7, I8 एंड लेट्स से IN-1, जरा बताइए। तो फिर आप इसका भी कैलकुलेट करोगे, तभी तो आप गारंटी बोलोगे ना भाई, सर मैंने सारे का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसका कितना आता है, लेट्स से 111, तो ऊपर वाला जो आपने बोला वो तो बेस्ट है। फिर इसके बाद तीसरा सबसेट देखना पड़ेगा आपको, फिर चौथा देखना पड़ेगा कि नहीं? आप ये गारंटी से मुझे कब बोलेंगे कि ये 113 जो इससे बेस्ट नहीं है, जब आपने सब देखा होगा ना,
तो मैं आप ऐसे बोल रहा ना, आप 10 स्टूडेंट हो, मैं बोलूँ किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को दिस स्टूडेंट इज बेस्ट, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी नाव को कंपेयर किया ना मैंने इससे भाई, है कि नहीं? आप इधर बोलिए, बाकी सारे सबसेट को आपने निकाले होंगे ना, सारे सबसेट का प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया होगा, तभी आप बोल रहे होंगे दिस सबसेट इज द बेस्ट। अब आप मुझे बताइए कितने सबसेट बनाने की जरूरत है, उतना ही तो टाइम लगेगा फिर। तो दैट मीन्स आप ये क्वेश्चन मुड़ता है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में कि एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, नहीं एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे ऐसे, यही है ना। तो बिल्कुल सेट थ्योरी का सिंपल प्रॉब्लम में आ गया कि एक सेट के जितने सबसेट्स होगा उतने ही तो आपके आइटम्स वाले सिलेक्शन के वो होगा, है ना, चॉइसेस होंगे। एक चॉइस है आपका जिसमें किस किस को सेलेक्ट किया, 1, 8, 13 and n को, एक चॉइस होगा जिसमें 2, 7, 8 and -1 को चॉइस कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सबसेट को क्या करना पड़ेगा आपको, सबको लिस्ट आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं? और सबका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा उनमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है जी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस प्रॉब्लम इज सेम एज कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं ऑफ ए सेट, बोलिए, विथ एन एलिमेंट्स, विथ ठीक है, कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 2^n। हे किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट इज 2^n और यहां पे भी फिर कितने सबसेट बनेंगे, 2^n। 10 एलिमेंट्स होंगे आपके पास, कितने एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स, 10 अगर मैं घुस गया 10 एलिमेंट्स है, अब बताइए कितने सबसेट पॉसिबल है फिर, 2^10 = 1024। चोर जाएगा आज शाम को, वो बस यही कॉम्बिनेशन लगाएगा कि पहले ये आइटम उठाया, ये आइटम, ये आइटम, ये तीन आइटम, इसका प्रॉफिट कितना है, फिर दूसरे तीन लाएंगे, ये आइटम, इसका प्रॉफिट कितना है, वो सारे कितने लिस्ट बनाएगा, 1024 में से वो पता करेगा कि ये वाला है, 1024 तक बनते बनते तक मालिक आ जाएगा और उसको पकड़ा जा सकता है कि नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि आप आइटम्स एन आइटम्स है, एन आइटम्स में देखिए सारे सबसेट्स को लिस्ट करो, सारे सबसेट्स का प्रॉफिट देखो और देखो उनमें से कौन सा सबसेट है जो आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, उसको आप सेलेक्ट करो। इसमें क्या है, इसमें टाइम ज्यादा होगा, 10 आइटम क्या होती है, 10 आइटम इधर बिखरा पड़ेगा, 10 आइटम 2^10 है, 2^10 में सारे लिस्ट आउट करोगे कौन सा प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं, वो आपको पॉसिबल नहीं होगा। ये लेमिन का स्ट्रेटेजी है, सारे पॉसिबिलिटीज को लिस्ट आउट करो, उसमें से देखो कौन प्रॉफिट देगा, उसको सेलेक्ट करो, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपको। अगर 20 आइटम्स हुआ तो 2^20 हो, बहुत बड़ा वैल्यू है, है ना। 2^30 होगा तो, और फिर तो बहुत ज्यादा 30 आइटम्स का होगा तो 2^30 लिस्ट करना पड़ेगा, आप सारे दीवार में भी लिखोगे ना वहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक, तो वो पॉसिबल नहीं। अब आप मुझे बताइए एक सेट के 2^n सबसेट कैसे आते हैं, कॉम्बिनेशन, बिल्कुल कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी भी सेट में अगर n आइटम्स होंगे तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, 2^n। वो आप ऐसे देख सकते हो, देखिए लेट से अगर मेरे पास n आइटम्स है, ठीक, n आइटम्स है, आप समझ लो कि पूरा का पूरा सबसेट में हम जगह देंगे n आइटम्स के लिए, कितने के लिए, n आइटम्स के जगह देंगे, और उनके पास ऑप्शन है, आपने पास होंगे या नहीं होंगे, वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक। ये पोजीशन है आइटम वन के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, वो आएगा या नहीं आएगा, तो इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास, इसको भरने के लिए भी क्या है, इसको भी भरने के लिए, और ऐसे कितने लोकेशन है, एन, तो 2^2 × 2 × n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2^n, ये तभी हम बोलेंगे, तभी देखो ना इस सबसेट में देखो जरा 1 आया, 2 नहीं आया, नहीं आया ना, 3 नहीं आया, 4 भी नहीं आया, 5, 6, 8 आया है ना, 13 आया, तो ये एक सबसेट बनेगा, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है उसका, एक चॉइस, इतना सही है। तो टोटल टाइम अगर हम लेमेन के हिसाब से लगने जाए तो बिगो क्या होगा,
बीको ऑफ टू रेस्पॉन्ड है ना, उसके बजाय हम एक और वीडी एल्गोरिथम डिवाइस करेंगे जिसको इतना टाइम तो नहीं लगेगा, टू रेस्पॉन्ड नहीं लगेगा, बट बीको ऑफ एन लगेगा, लीनियर टाइम। बीको ऑफ एन फास्ट होगा कि टू रेस्पॉन्ड बीको ऑफ एन है ना। तो हम एल्गोरिथम अपना बनाते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम, हम ग्रीडी हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ठीक, हम ग्रीडी हो जाएंगे किसके बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे। ग्रीडी फॉर वैल्यू, ठीक है। आप ग्रीडी होगे किसके लिए, वैल्यू के लिए। अब आपने पहला काम करना है, सॉर्ट करनी है, सॉर्ट द आइटम्स, सॉर्ट द आइटम्स एज पर वैल्यूज, एज पर वैल्यूज इन असेंडिंग की डिसेंडिंग, जिसका वैल्यू ज्यादा ऊपर आना चाहिए, डिसेंडिंग है ना। सौ वाला वैल्यू पहले आएगा फिर 99 आएगा, सही है? आप बोलो, आपके पास जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, पोजीशन वन पे, पोजीशन वन पे वो आइटम बैठा है जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर पोजीशन टू पे उससे सेकंड है ना। चलिए, एस जो सेट बोला था सेलेक्टेड आइटम्स का, वो फर्स्ट टाइम क्या होगा, चोर दरवाजे से आते समय खाली खाली होगा ना, उसमें कुछ नहीं डालना, अब वो डालना शुरू करेगा ना। चलिए, अब हम आए इसका ये एल्गोरिथम ही लिख देते हैं, नैप, ठीक है। आई इज द एरिया ऑफ आइटम्स, ठीक, डब्ल्यू इनका वेट, वी इनका वैल्यूज, ए ये एरिया ऐसा होगा, देखिए आई वन पे जो आइटम होगा, I1 पे जो आइटम होगा उसका वेट होगा W1 पे और उसका वैल्यू होगा V1 पे, ठीक है। I3 पे जो आइटम होगा, एरे I में थर्ड पोजीशन पे जो आइटम होगा उसका वेट किसके पास है, W में 3-1 पोजीशन, वैल्यू कहाँ होगा, V ऑफ 3 पे, ठीक। ये तीन लीनियर एरे आप समझ लो, स्टेप नंबर वन इनिशियलाइज, आप बोल सकते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप है। इसमें एस वाले सेट में मैं फाइव डाल रहा हूं, एम्प्टी सेट है, एस मीन्स आइटम टू बी स्टोर्ड, आइटम टू बी सेलेक्टेड, और वैल्यू क्या होगा फर्स्ट टाइम, जीरो, नंबर टू, ठीक। अब हमने हर आइटम को चुनने की कोशिश तो करना है ना, और I इक्वल टू वन टू एन, यस, रिपीट देखते हैं कौन सा स्टेप करेगा। चलिए देखो, जो I इक्वल टू वन है ना, तो आप समझ लो अभी मैं वन को प्रेफर करूंगा चूज करने का, ठीक। नेक्स्ट टाइम आई इक्वल टू क्या होगा, टू, उस समय मैं टू को प्रेफर करूंगा चूज करने के लिए, आप ऐसा समझ लो, ठीक। लेकिन अभी आई का वैल्यू क्या है, वन, तो मैं आइटम वन को चूज करूंगा, उसका वेट डब्ल्यू वन, उसका वैल्यू वी वन, ठीक है। लेकिन चॉइस करने के लिए मुझे इश्यू ये है, आइटम किसको सेलेक्ट कर रहा हूं, वन को, डब्ल्यू वन छोटा होना चाहिए किससे, रिमेनिंग वेट से, जो बचा मेरे पास वेट है उससे कम होनी चाहिए। अगर हुआ तो मैं आई वन को सेलेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं को नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा, टू, तो मैं टू को चूज करने की कोशिश करूंगा, टू भी वही कंडीशन पे खाएगा, आई टू को मैं चूज करूंगा अगर उसका डब्ल्यू टू छोटा हो किससे, रिमेनिंग वेट से, नहीं तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, फिर आई किस पे जाएगा, थ्री कर करके कहां पे जाएगा। तो दैट मैं ऐसा बोल सकता हूं हर आइटम को चॉइस दे रहे हैं, है कि नहीं। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेवन पे,
ऐसा भी केस होगा कि सेवन पे पहुंचने से पहले ही मुझे सारे आइटम मिल गया, मेरा बैग पूरा फिल हो जाएगा, लेकिन तब तक फिर भी मैं कहां तक जाऊंगा, एन तक जाऊंगा, ठीक है। तो पहला काम, इफ डब्ल्यू इज द टोटल वेट है, इफ डब्ल्यू आई है ना, अभी वन है, नेक्स्ट टाइम कुछ और होगा, इज लेस इक्वल टू, बराबर भी तो हो सकता है W, क्योंकि मैं इस W को अपडेट करूंगा, है ये आप, ये W है ना, आप समझ लो रिमेनिंग वेट ही बचा हुआ इसके पास, ठीक। आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं कर लू, मैं इसको M लिख देता हूं है टोटल वेट के लिए, क्योंकि वो फिर W से एरे भी तो आ रहा है M, हाँ M इज, आप ऐसा बोल सकते हो M इज द रिमेनिंग वेट, M इज रिमेनिंग वेट ऑफ अगर ऐसा है तो बोली, हाँ किसको चूज किया है, आई को, तो मैं लिखूंगा एट आइटम आई आई ऑफ आई, तो ये टू एस 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 वाला सेट, ठीक। इसके लिए आप कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बार लिखते हैं एस इक्वल टू एस यूनियन ये वाला आइटम, ठीक। आई ऑफ आई पे जो आइटम बैठा है उसको यूनियन कीजिए किससे, एस से, पुराने जितने भी एस था वो अपडेट होगा एस, पुराना एस है ये, नया एस क्या बनेगा, सारे पुराने आइटम प्लस आई ऑफ आई, ठीक। अगर आप इस आइटम को चुनते हो तो फिर प्रॉफिट भी तो मिलेगा, है ना। स्टेप नंबर फोर, आई पे प्रॉफिट बोली, V जिसको जीरो किया था पहले, V इक्वल टू V प्लस, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि यही आइटम होगा, अभी तक जितना प्रॉफिट आया है प्लस V ऑफ I, ये प्रॉफिट भी फिर मुझे प्रॉब्लम दे गया, इसका नाम चेंज करें यार, क्योंकि ना वो प्रॉफिट वाला एरे भी हमने V रखा है ना, इसको प्रॉफिट रख दें, पी आर ओ प्रॉफिट कर देते हैं इसको, है क्योंकि आपको प्रॉब्लम करेगा, ये सेम सेम हो रहा है ना वेरिएबल और एरे का नाम, तो मैं क्या लिखूं, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस वी ऑफ आई, सही है। स्टेप नंबर सिक्स बोले, एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हैं, अपग्रेड, अपग्रेड किसको, आई को नहीं, नहीं उससे भी एक इंपॉर्टेंट काम रह गया, ये जो M है ना, इसमें से आपने आइटम आई को सेलेक्ट किया, डाल दी, उसका प्रॉफिट भी गिन लिया, आप वेट जो बचेगा उसका M इक्वल टू M माइनस W of I, सही है। तो आपका वेट अपडेटेड है, ठीक। और ये सारा चीज, ये सारे के सारे स्टेप किसके अंदर है, स्टेप नंबर थ्री, ये इफ के अंदर है, M is the remaining weight of knapsack, है नहीं? इतना सही है, हर आइटम को चॉइस दोगे आप, ठीक। मुझे गारंटी है आई इक्वल टू वन पे ना, फर्स्ट लोकेशन पे अगर मैं
ग्रीडी हूं प्रॉफिट के हिसाब से, तो वही आइटम होगा जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक। और अगर मैं वेट के हिसाब से ग्रीडी हूं तो फर्स्ट लोकेशन पे वही आइटम होगा जिसका वेट कम हो, मिनिमम, ठीक है। तो आप अगर वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं, ग्रीडी हो जाते हो किसके लिए, वेट, इसके लिए, वैल्यू के लिए, तो आप पहला काम, पहला ही काम आप सॉर्ट कर दोगे, ठीक। अगर वैल्यू के हिसाब से आपका काम है तो आप सॉर्ट करोगे वैल्यूज को इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर इसके बाद आप ये काम शुरू कर सकते हो। एक आइटम को अगर आपने चुना है उसका वेट अगर एम से छोटा है, ठीक, तभी आप आयत वाले आइटम को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप इंक्लूड करते हो तो एस में डालोगे उस आइटम को, उसके प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट में इंक्लूड करोगे और उसका वेट को रिमेनिंग वेट में से माइनस करोगे, एम होगा, ठीक। नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा तो एम वही वेट होगा जो रिमेनिंग वेट बचा है आफ्टर इंक्लूडिंग वी ऑफ आई, है ना, आइटम आई को इंक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग वेट होगा वो आपके पास एम होगा। तो फिर से नेक्स्ट आइटम के लिए वो देखेगा कि रिमेनिंग वेट इस आइटम की वेट से क्या बड़ा है कि नहीं, अगर होगा तो उस आइटम को सेलेक्ट करेगा, ठीक। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर कि भाई आई वन पे जो आइटम आएगा जिसको मैं पहले चुनूंगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, उसकी गारंटी क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, है ना। और सिमिलरली जो आई वन पे जो एलिमेंट है पहला वन पे जो आइटम मैं चुन रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट में ऑप्शन किसको मिल रहा है, फिर किसको मिलेगा, फिर दैट मीन सीरियली मिल रहा है ना चॉइस, है ना। पहले मौका किसको मिलेगा, वन लोकेशन पे जो बट फिर टू लोगे, फिर दैट मीन अगर मैं वैल्यू के हिसाब से मैं ग्रीडी हूं तो वन पे तो वही आइटम आना चाहिए जिसका वैल्यू ज्यादा हो, है ना। तो उसकी गारंटी के लिए क्या क्या हुआ, पहले से ही सॉर्ट कर, है ना। अगर मैं वैल्यू के इसके हिसाब से वेट के हिसाब से ग्रीडी हूं तो फर्स्ट लोकेशन पे वो आइटम आना चाहिए जिसका वेट कम हो, तो उसकी गारंटी क्या है, पहले ही सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिथम है, इसके लिए हम एक एग्जांपल भी करेंगे। पहले आप मुझे ये बता दीजिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, बड़ा काम कहां हो रहा है, यही तो है, एक ग्रुप चल रहा है, बाकी सब तो सिंपल स्टेप्स है, है ना। तो बोलिए एफ ऑफ एन इक्वल टू बी को ऑफ एन, बी को ऑफ एन, लेकिन ये बेचारा खुद डिपेंड है किसके ऊपर, किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के ऊपर, है ना। तो वो सॉर्ट करने के लिए कितना लगेगा, सॉर्ट करने के लिए कितना, एन लॉग एन डाल सकते हैं ना, माय सॉर्ट को यूज करो आप सॉर्टिंग करने के लिए, है कि नहीं, तो वो लगेगा इन टाइम। लेकिन आप ये समझ लो सॉर्टिंग करने के लिए और खुद को परफॉर्म करने के लिए एन टाइम, ठीक। अगर हम लेमेन के हिसाब से चलते तो वो बहुत ऊपर है, है ना। हम इसके हिसाब से चल सकते हैं, ये हमें ऑप्शन देगा, हमें सॉल्यूशन। अब आपका लास्ट में जो एस होगा वही सेट ऑफ आइटम जो सिलेक्टेड है, एस में जो आइटम्स होगा वही सिलेक्टेड है, प्रॉफिट इसके पास होगा टोटल प्रॉफिट, और टोटल वेट एम क्या होगा, एम बचा होगा वेट, कितना बचेगा, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, है ना, क्यों, क्योंकि ऐसा होगा कि आपके रिमेनिंग वेट टू है लड़ से, और जितने आइटम्स आपके पास बचे हैं जिनको आप सेलेक्ट करने हैं उनका वेट टू हो ही नहीं रहा, किसी का तीन है, किसी का पांच है, किसी का आठ है, है ना, किसी का एक है, तो एक वाला आएगा लेकिन उसमें भी बचेगा फिर एक वेट, है ना। तो आपका रिमेनिंग ये एम जो है ना नॉन जीरो हो सकता है, इसको जीरो करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, वो हम अलग से करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा वेट जो है एम जो रिमेनिंग वेट होगा वो नॉन जीरो हो सकता है। आप समझ लो चोर अंदर जाएगा और बाहर आएगा, उसकी बोरी में आइटम भरा होगा लेकिन एक थोड़ा जगह जो है ना बचा होगा, जब हम चोर को पूछेंगे इस जगह में क्यों नहीं डाला कुछ आइटम लेके आ सकते, तो वो बोलेगा भाई इसमें कोई आइटम वहां से फिट हुआ ही नहीं, ठीक। तो इस टाइप की नैपसैक को देखिए, जब आपके पास ऑप्शन हो आइटम को चॉइस करने का या नहीं करने का, दो ही चॉइस है, इसको हम बोलते हैं जीरो वन नैपसैक, जीरो वन है, जीरो वन नैपसैक का मतलब क्या है, आपके पास दो ही चॉइस है, या आइटम को उठाओ पूरा का पूरा या आइटम को छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि टीवी चुराना हो चोर ने तो वो या उठाएगा या नहीं, उसको टुकड़े तो नहीं कर सकता ना, है ना। लेकिन चावल चुराना होगा तो टुकड़े कर सकता है, है ना। तो जहां पे आपको बिल्कुल ऑप्शन ना हो, या तो आइटम उठाओ
या मत उठाओ उसको, जीरो वन नैपसो, जीरो मीन्स चॉइस नहीं कर रहे हो, वन मीन्स चॉइस कर रहे हो, उठाओगे किसी आइटम को, अगर उठाओगे उसका प्रॉफिट मिलेगा, उसका वेट भी माइनस होना फिर आपके टोटल वेट से, ठीक नैपसैक हो गया। इसके इसका दूसरा वर्जन है, इससे एडवांस होना, वो है फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक आपको ऑप्शन देता है किसी अभी आइटम को, अगर पूरा का पूरा नहीं उठा सकते हो, पूरा का पूरा नहीं उठा सकते हो, तो उसका फ्रैक्शन उठाओ, उतना उठाओ जितना आप उठा सकते हो। तो जब फ्रैक्शनल नैपसैक वाला चोर अंदर जाएगा ना, उसका बोरी पूरा का पूरा भरा होगा, उसके पास जो रिमेनिंग एम होगा ना वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि उसके पास चॉइस होगा। जैसे दो केजी बच गया, दो केजी बच गया तो उसके पास चॉइस होगा, दो केजी का चावल उठाओ कहां से, दो केजी का आटा उठाओ, क्योंकि वो भर जाएगा पूरा का पूरा। जीरो नैपसैक में वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फ्रैक्शनल नैपसैक बोलते हैं दूसरे वाले को। इस फ्रैक्शनल नैपसैक पे हम वापस आएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने आएंगे इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। फ्रैक्शनल नैपसैक बिल्कुल 01 का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास जैसे दो वेट बचा है, दो वेट, लेकिन आपके पास सारे आइटम दो से ऊपर वाला है, पांच आइटम है लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास, और रिमेनिंग वेट दो ही है, और सब आइटम का वेट जो है दो से ऊपर है, किसी का तीन है, किसी का चार, किसी का पांच। 01 वाले नैपसैक में आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपको तोड़ के ले जाने का ऑप्शन नहीं है। फ्रैक्शनल नैपसैक में आपके पास बचा कितना है, दो वेट, आप उस दो वेट में किसी एक सामान का टुकड़ा उठा सकते हो, वो ऑप्शन है फ्रैक्शनल। इस फ्रैक्शनल वाले नैपसैक में जो आपका रिमेनिंग वेट होगा एम, वो इक्वल टू जीरो होगा, इसकी गारंटी है। रिमेनिंग वेट हमेशा हम कहां पे लेके आएंगे, जीरो पे, यहां पे गारंटी नहीं है नैपसैक में। 01 नैपसैक में फ्रैक्शनल में आप एम इक्वल टू जीरो कर सकते हो, 01 में आपको रिमेनिंग वेट रहेगा, नॉन जीरो रिमेनिंग वेट आ सकता है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास बचा दो है और सारे आइटम्स का वेट जो है टू से ऊपर है, तो आपको या तो उठाओगे या नहीं उठाओगे, तो नहीं उठाने वाला ऑप्शन ही है आपके पास, है ना, दो वाला वेट कोई है नहीं। लेकिन फ्रैक्शनल में अगर आप दो नहीं उठा सकते, तो किसी का टुकड़ा करो, चार वेट वाला था उसका आधा कर दो, हो गया दो वेट, उसका आधा डाल दो अपने पैक में, तो एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये एल्गोरिथम हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हम ग्रीडी हैं दो तरीके से, किससे, एक है हमारे पास वेट्स और दूसरा हम वैल्यूज के साथ, ठीक है। चलिए, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, ये हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं इसे प्रॉब्लम से। आइटम का सेट है I1, I2 and I3, सही है। इन आइटम्स का वेट्स हैं W वाला, ये है 5, आइटम 1 का 4 एंड 3, यूनिट्स आप कुछ भी मान लो, केजी, ग्राम्स, कुछ भी, और इनका वैल्यूज है प्रॉफिट्स 6, 5, 4, 6, 5 and 4, एंड जो टोटल वेट कैपेसिटी है, जो टोटल वेट कैपेसिटी आप बोल सकते हो 7 kg, ठीक 7 kg, ठीक। चलिए हम ये बोले वी आर रेडी फॉर वैल्यू, तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले तो आइटम को सॉर्ट करोगे एज पर वैल्यूज, है ना, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो बताइए कितने आइटम्स है अपने पास, तीन आइटम्स है, तो हम लिखेंगे लेट्स से आइटम, ये हो गया इनका वैल्यूज, हो गया इनका वेट हो गया जी। पहले आइटम कौन आएगा, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो, I1, ठीक, फिर हाँ इसी सीरीज में आएगा, ठीक है, सही है। सॉर्ट करने के बाद भी यही आएगा, वैल्यू है 6, 5, 4 एंड वेट है 5, 4, 3, ठीक है जी। चलिए एस में हम आइटम डाल देते हैं, एस इक्वल टू फर्स्ट टाइम एम्प्टी, आप चलिए I इक्वल टू 1, 2, 3 चलेगा, ठीक है। तो I इक्वल टू 1 है पहला आइटम, उसका वैल्यू 6, प्रॉफिट तो मिलेगा 6, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा उसका वेट, आपकी रिमेनिंग वेट से छोटा। अभी तक आइटम में उसमें बोरी में कुछ नहीं गया, तो टोटल वेट कितना था, 7, तो 7 के 7 है, तो ये वेट 5 लेस देन 7, सही है, तो मैं इस आइटम को ले सकता हूँ। तो हम बोलेंगे पहला आइटम 1 डाल, ठीक है जी।
अब आप मुझे बताइए m इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2, रिमेनिंग वे 2 है ठीक। और प्रॉफिट बोलिए, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट पहले 0 था, 0 प्लस प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट आइटम दैट इज 6 आ गया, पहला आइटम चुना गया। दूसरा आइटम बोलिए आई टू, सेकेंड बार इसकी बारी आएगा, आइटम आया इसका मिलेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 5 और अपनी टोटल प्रॉफिट मिला देंगे तो टोटल 11 yes. लेकिन इसका वेट कितना है, रिमेनिंग कितना आपके नहीं आएगा है ना। अब देखिए ये आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 5 और यूनिट से इंक्रीज कर सकता है लेकिन आपका कंडीशन उसको फुलफिल नहीं कर पाया। आपका कंडीशन में रिमेनिंग वेट 2 बचा है और ये वेट कितना मांग रहा है 4, तो ये नहीं आएगा। फिर आई टू हो गया तो आई थ्री 4 और इसका वेट कितना है डाल पाएंगे, बस यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। हमने सारे आइटम्स को ऑप्शन दे दिया, इसको और इसको दे दिया, ये नहीं आ पाए तो टोटल प्रॉफिट बोलिए आप 6, रिमेनिंग वेट बोलिए 2, बच गया जो बाहर निकलेगा खाली बैग के साथ, 2 वेट उसमें अभी भी आ सकता है और सिलेक्टेड आइटम इज I1, बस इतना है। ये हुआ कब, जब हम किस पे ग्रीडी हो गए, वैल्यू पे। अगर हम वेट पे ग्रीडी हो जाए तो वेट पे ग्रीडी हो जाएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे है ना। लेट्स से ग्रीडी फॉर वेट, अगर हम ग्रीडी हो जाए किसके लिए, तो हम दो ऑप्शन है आपके पास, या वैल्यू के लिए जाओ या वेट के लिए। तीसरा एक और ऑप्शन वो हम देखेंगे, अपने पास आइटम्स इनकी वेट्स इनकी वैल्यूज जी। आइटम है वेट सबसे छोटा I3, तो ये आएगा 4 और वो है I3 का, इसका वैल्यू 3 ओ सॉरी ना 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 वेट 3 वन से वेट बोलिए वेट 3 वैल्यू इज 4 फिर छोटा I2 है ना, वेट इसका कम है 4 लेकिन इसका प्रॉफिट 5 और फिर उससे वेट में ज्यादा I1 जब हम I1 जब 4 I इक्वल टू 1 टू n किया ना, I इक्वल टू 1 पे इसको मिलेगा ऑप्शन क्योंकि 1 पे ये बैठा है लोकेशन 1 2 3, 1 लोकेशन पे कौन बैठा है I3। आप बोलो S में empty, M में 7, profit में 0, सही है yes. ठीक, प्रॉफिट फर्स्ट टाइम 0, टोटल रिमेनिंग वेट 7, कुछ नहीं डाला है एस में, कुछ नहीं डाला है जी। पहला ऑप्शन किसको मिलेगा, I3 को, वेट 7 है ना, कम है, चॉइस कर सकते हैं तो हम I3 को सेलेक्ट किए और उसका वैल्यू प्रॉफिट में है ना 0 प्लस 4 इज 4, यह आ गया प्रॉफिट ठीक। रिमेनिंग वेट बोला 7 माइनस 3 इज 4 आ गया। नेक्स्ट टाइम I2 वेट इज 4 है ना, डाल सकते हैं, रिमेनिंग वेट कितना बचा 0 ठीक, और प्रॉफिट इज 5, पहले का कितना है 9, किसको सेलेक्ट करना है I2 ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर हमने तो चलाना है ना 3 पे, 3 पे कौन है, इसका वेट बचा हुआ 0 तो नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, खत्म। टोटल प्रॉफिट ये कितना दे रहे हैं 6 और 2 आइटम को सेलेक्ट कर पाए और हम कहां पर लेके जा रहे हैं 0। देखिए यहां पे 0 इसलिए हुआ क्योंकि बाय चांस आपको ऐसा ही वेट मिल गया ठीक, लेकिन चांस ऐसे भी है कि आपको नॉन जीरो भी आएगा ठीक। तो ये टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 9, लेकिन इस केस के लिए, इस एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि हम ग्रीडी बाय अगर वेट हो जाए तो प्रॉफिट है आपके पास, अगर ग्रीडी बाय वैल्यू हो जाए तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इस पार्टिकुलर केस के लिए है, सिर्फ इसी के लिए चलेगा, दूसरे के लिए दूसरा चल सकता है, दूसरा कोई एग्जाम्पल जिसमें ग्रीडी अगर वैल्यू से हो जाए तो बढ़िया दे रहा हूं एज कम्पेयर टू ग्रीडी बाय वेट ठीक है। लेकिन दिखाने का तरीका ये है कि आप यहां पे किसको मिनिमाइज कर रहे थे, इसमें वेट को, तभी तो आप वो उठा रहे थे ना, वो आइटम जिसका वेट कम हो है ना, सबसे कम उसी को, लेकिन कंडीशन टू व्हाट कि आपका टोटल वेट उसकी वेट से ज्यादा ही होना चाहिए, टोटल रिमेनिंग वेट।
अगर ऐसा होगा तो आप उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा। दैट मीन सेम वही केस आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हो आप, बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल थे, एक चॉइस को उठाया आपने, लेकिन वो चॉइस आप अपने सॉल्यूशन सेट में तभी बिठा पाओगे अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता होगा। अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो आप उसको चॉइस उसमें अपने सॉल्यूशन में नहीं डाल पाओगे। ठीक है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम का बेस आ गया। ठीक, इतना सही है। चलिए हमारे पास एक और तरीका है जिसे क्राइटेरिया नंबर थर्ड बोलते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम ना वैल्यू से ग्रीडी हो जाएंगे ना वेट से, उसमें हम एक और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसे हम पी बोलते हैं, उसके हिसाब से हम ग्रीडी हो जाएंगे। एंड पी इज रेशियो ऑफ वैल्यू टू वेट, वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट। किसी भी आइटम का एक वेट कितना वैल्यू दे रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। हर आइटम का क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू अपॉन वेट, ये एक रेशियो होगा और हम ग्रीडी हो जाएंगे उसी रेशियो से। आप समझ सकते हो इन दोनों से वो थोड़ा पढ़ा लिखा वाला कैलकुलेशन है। ठीक, हम ये देखने की कोशिश करेंगे एक आइटम का एक वेट कितना वैल्यू दे सकता है। ठीक, और उसी हिसाब से हम क्या हो जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे। ठीक, तो फिर हम काम करेंगे, सबसे पहले आपके पास आइटम्स दिया होगा, वैल्यूज दिया गया होगा, वेट दिया गया होगा, और हम एक और कॉलम कैलकुलेट करेंगे पी ऑफ आई। ठीक, और पी ऑफ आई होगा वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट, ये आ गया। फिर इसके बाद आप आइटम्स को सॉर्ट करोगे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड वेट, ऑन द बेसिस ऑफ पी। तो आपके पास वो आइटम बिल्कुल पहले पोजीशन पे आएगा जिसका वैल्यू बाय वेट बड़ा होगा। देखो मैं आपको एक आइटम का एक वेट मुझे दो वैल्यू दे रहा है, दो प्रॉफिट, और एक दूसरा आइटम है जिसका एक वेट मुझे तीन प्रॉफिट दे रहा है, तो मुझे कौन सा चुनना चाहिए, तीन वाला है ना, तो वो तीन वाला पहले रहेगा, फिर दो वाला रहेगा। तो दैट मीन प्रॉफिट पी ऑफ आई वैल्यू के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। फिर से वही स्टेप फॉलो करना है जो अभी तक कर रहे थे। पी ऑफ आई के हिसाब से लेट से आइटम थ्री पहले आया, तो फर्स्ट टाइम मैं आइटम थ्री को सेलेक्ट करूंगा, लेकिन देखूंगा जब मैं आइटम थ्री को सेलेक्ट करूं तो मेरा रिमेनिंग वेट किसके बराबर है, जो टोटल इसका आई थ्री जो वेट मांग रहा है वो क्या मेरे रिमेनिंग वेट के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप हमारे पास ऑप्शन है। अगर आई थ्री का वेट बराबर फिट नहीं हो रहा होगा आपके रिमेनिंग वेट में, तो हम देखेंगे रिमेनिंग वेट में कितना बचा है, कितना बचा, जैसे चार वेट बचा है, तो रिमेनिंग वेट का चार मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इसका। तो हमने क्या बोला, एक वेट कितना वैल्यू दे रहा है ना, उसी से हम मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। पहले देखो मैं दिखाता हूं, बहुत सिंपल है। थर्ड क्राइटेरिया इज चलो फिर एक मीटिंग है समाचार कल करेंगे फिर इससे आगे है जो थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है ना, समाचार बहुत तो ठीक है, कल हम देख लेते हैं इसको यार। तीसरा क्राइटेरिया वाला जिसपे हम क्या हो जाएंगे, हम